हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WSBCS क्लासेस। डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट स्पोर्ट राउंड लिस्ट के बारे में। डियर फ्रेंड, कॉलेज का लिस्ट जो है आ चुका है, तो किस कॉलेज में, किस बीएड कॉलेज में कितने सीट वैकेंट है उसके बारे में फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन भी आया था, सर कौन से कॉलेज में कितने सीट है, तो उसका इन्फॉर्मेशन आ चुका है, ऑफिशियली अपडेट आ चुका है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल दे देता हूँ। उससे पहले हमारे चैनल पर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि बिहार डीएलएड बीएड से संबंधित अपडेट आप तक से पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगे तो तुरंत लाइक करें, और किसी तरह का प्रॉब्लम हो डिफरेंट तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आइए देख लेते ऑफिशियली जो है कॉलेज का लिस्ट जो जारी हुआ है और कितने वैकेंट सीट है किस कॉलेज में, वो सारा डिटेल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए NOU के ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हुए हैं, और यहाँ पर देखिए रेगुलर मोड जो है बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2019, इसे क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए नोटिस बोर्ड में एक नोटिस चला है, नोटिस फॉर बीएड कॉलेज लिस्ट फॉर स्टेट स्पोर्ट राउंड जो है, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ से परमिशन मांग रहा है डाउनलोड का, तो यहाँ से ये देखिए डाउनलोड हो चुका है डिफरेंट। यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट, आप लोग यहाँ पर बताया जाए लिस्ट ऑफ बीएड कॉलेज फॉर स्पोर्ट राउंड ऑफ सीईटी बीएड 2019। देखिए एनसीटीई सीरियल नंबर, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर जो है एफिलेटिंग बॉडी और एफिलेटेड नॉट एफ रिकॉग्नाइज्ड गर्ल्स बॉयज़ कॉलेज वैकेंसी फॉर SSR। तो यहाँ पर सारा जो है वैकेंसीज SSR का दिया हुआ है, कौन से कॉलेज में कितने वैकेंसी है, सीट जो है कितने हैं। तो यहाँ पर आप लोग कॉलेज का नाम देख सकते हो, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम देख सकते हो डिफरेंट, और यहाँ पर जो है सारा चीज़ यहाँ पर मैंसन किया गया है, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए यहाँ पर सारा चीज़ बताया गया है। तो यहाँ से आप लोग जो है ईजी वे में इसे आप देख सकते हो कौन से कॉलेज में कितने सीट वैकेंट है। तो चलिए इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आते हैं, तो ये लिस्ट आप लोग डाउनलोड कर लोगे तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर लोगे और आप लोग देख लोगे कौन से कॉलेज में कितने सीट हैं। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है नोट में, यहाँ पर बताया जो जा रहा है, लिखा हुआ उपयुक्त कॉलेजों, एवं उनसे संबंधित दी गई सूचनाओं से अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वे अपना प्रतिवेदन राज्य नोडल पदाधिकारी को दिनांक 15/6/2019 तक दे सकते हैं। जिन्होंने अभी तक रिक्त स्थानों की सूचना उपलब्ध नहीं कराई है वह दिनांक 15/6/2019 तक CETBA2019@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से अपने कॉलेज में विद्यमान रिक्तियों अवश्य उपलब्ध कराएं, अन्यथा स्पोर्ट राउंड से वंचित हो सकते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे डिफरेंट। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स से जिनको जो है क्वायरी आया था कि सर रजिस्ट्रेशन किस तरह करेंगे, तो मैंने उसको लिंक भी प्रोवाइड किया था वेबसाइट का, बट मैं यहां पर बता देता हूं किस तरह जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे स्टेट स्पोर्ट राउंड के लिए। तो यहाँ से बैक हो जाते हैं। फाइनली बैक हो जाने के बाद आपको करने क्या है, यहाँ पर 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, इस 3 डॉट्स पे आपको क्या करना होगा, क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है लिंक फॉर स्टेट स्पोर्ट राउंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट। ये 13 से लेकर 17 तक का डेट था, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। और एक क्वायरी ये भी आता है कि सर पेमेंट फिर से करना होगा, फिर से पेमेंट लगेंगे, तो उसके ऊपर मैंने फुल डिटेल का वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। जो लोग अभी तक नहीं देखे उस वीडियो तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लेंगे। अब उसके बाद यहां पर चॉइस फिलिंग का जो है दिया हुआ है डेट 18/19 दिया हुआ है, 18/19 दिया हुआ है। अब यहां पर जो है अलॉट जो किया जाएगा वो दिया हुआ है 20 तारीख को अलॉट किया जाएगा राउंड के लिए जो है अलॉट रिजल्ट। अब यहां पर आपको करने क्या होंगे, तो चलिए फाइनली रजिस्ट्रेशन वाले पोर्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करते हैं यहां से, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पेमेंट ही आ गया डिफरेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करने होंगे, सारा इंस्ट्रक्शन टर्म्स जो भी है यूज हो रहे हैं इसको पढ़ करके आई हैव रीड जो भी है ये सारा चीज़ ओके करके आपको यहाँ पर जो है प्रोसीड कर देना होगा। जैसे प्रोसीड कीजिएगा तो यहाँ पर आपका स्टेट स्पोर्ट राउंड के लिए है, तो यहाँ पर आप जो है इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा स्टेट स्पोर्ट राउंड, तो यहाँ से इसे सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। मेरे पास तो किसी कैंडिडेट्स का है नहीं जो मैं पूरा फुल करके बताऊँ। इसके बाद आपका जो भी आगे का डिटेल होगा तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो रही बात, इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ईजी वे में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और हाँ डियर फ्रेंड, मात्र आप लोग के पास 16 और 17 दो दिन है टाइम, 2 दिनों के बीच अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो फिर आप वंचित हो जाओगे डियर फ्रेंड।
तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।